हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द अनबॉक्स चैनिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग स्मार्ट वॉच की, जो कि एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। एंड काफी सारे और भी अच्छे अच्छे फीचर्स इस स्मार्ट वॉच में आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे 30+ स्पोर्ट्स मोड, वॉइस असिस्टेंट एंड और भी बहुत सारे स्पेशल फीचर इस स्मार्ट वॉच में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस, कुछ इस टाइप का बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पे इसका मॉडल निंजा कॉलिंग। एंड यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे 1.69 इंचेस की फुल HD टच डिस्प्ले है, एंड साथ ही वॉइस असिस्टेंट इसमें दिया हुआ है, एंड प्लस 30 स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ पे दे रखे हैं। साइड में यहाँ पे आपको इसके कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे इसका डिस्प्ले साइज 1.69 इंचेस, इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर भी इसमें आपको देखने को मिलता है, साथ ही वॉइस असिस्टेंट एंड इनबिल्ट गेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 30+ स्पोर्ट्स मोड, SPO2 मॉनिटरिंग, स्मार्ट नोटिफिकेशन, हार्ट रेट ट्रैकिंग। एंड अगर पीछे देखते हैं तो पीछे भी आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस इसकी आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आपको मेन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो जो इसमें आपको फीचर्स दे रखे हैं। तो ये सारे हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। MRP की बात करें तो यहाँ पे इसकी 799 MRP दी हुई है, बट ये मैंने बाई की है 2999 में। तो चलिए, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है इसका बॉक्स कंटेंट। यहाँ पे आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है, एंड साथ ही यहाँ पे ये USB केबल देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी लेंथ यहाँ पे दी हुई है इसकी, एंड क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है। अदर जो स्मार्ट वॉच है वहाँ पे काफ़ी कम लेंथ देखने को मिलती है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी लेंथ दी हुई है। एंड साथ ही यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है यूज़र मैनुअल, जो कि आपके काम के लिए है, इसको पढ़ना हमारा काम है, तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ सब्सक्रिप्शन कार्ड, तो इनका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक रजिस्ट्रेशन वारंटी कार्ड, तो इसकी हेल्प से आप अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इन सबको रखते हैं साइड में एंड चलते हैं अपनी वॉच की तरफ। तो ये है हमारी वॉच। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए हमें ये प्रेस करके रखना होगा, ये वाला बटन। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फायरबोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, एंड उसके बाद ये रिबूट होती है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये स्मार्ट वॉच मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसका जो स्ट्रैप है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे आपको स्ट्रैप प्रोवाइड किया गया है। एंड साथ ही बात करें इसकी फ्रेम की, तो यहाँ पे आपको नॉन मेटालिक फ्रेम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका वेट भी काफ़ी कम है। साथ ही यहाँ पे आपको 1.69 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि फुल टच डिस्प्ले एंड HD डिस्प्ले है, एंड काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ ये आती है। अगर आप इसको सनलाइट में भी यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे से विजिबल सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे अदर फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ है, जिसका यूज़ सिर्फ आप इसको रिस्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको एक माइक भी दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप कॉलिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको स्पीकर भी दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप सॉन्ग प्ले कर सकते हैं या फिर कॉलिंग पे इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे पीछे आपको यहाँ पे चार्जिंग का जैक दिया हुआ है, यहाँ पे आप मैग्नेटिकली इसको चार्जर से कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें इसके फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप इसको लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिल जाएगा। आप मेन्यू में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको लिस्ट में ये रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ हनीकॉम पैटर्न में करना है तो आप यहाँ डिस्प्ले पे जाकर इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको लिस्ट व्यू से यहाँ पे ग्रिड व्यू पे कर देना है, तो कुछ इस टाइप का हनीकॉम शेप में ये आपको इसका मेन्यू देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी यूनिक लगता है देखने में। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जैसे डिस्प्ले पे जाएंगे तो ब्राइटनेस आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितनी ब्राइटनेस इसमें रखनी है। एंड उसके बाद ऑटो स्लीप, यानी कि इसका स्लीपिंग टाइम कितना रखना है, वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉच फेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप किस टाइप का फेस इस वॉच पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद बात करें अदर फीचर्स की, तो आपको यहाँ पे रिंग एंड वाइब्रेशन भी मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब
एंड लो पावर मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप इस वॉच की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अबाउट में जाना है एंड QR कोड पे क्लिक करके इसको स्कैन कर लेना है। तो आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप इस स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही बात करें कॉलिंग की, तो अगर आप इसको राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिसेंट कॉल देखने को मिल जाते हैं, जो साथ ही यहाँ पे आपको डायल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप कोई भी नंबर यहाँ से डायरेक्टली डायल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके जो भी नंबर्स हैं आप यहाँ से जाके उसको भी डायल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्पोर्ट्स का। यहाँ से आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी रन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्टेप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कैलरीज का भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये स्लीप के लिए है, कितने घंटे आप सोते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको BPM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी वॉच में मैंने देखा है जो कि अंडर 3000 में भी आपको देखने को मिल जाती हैं, कि आप बिना पहने भी यहाँ पे आपको ये टास्क रन करा देता है BPM वाला। तो बिना पहने कैसे रन करा देता है मुझे ये समझ नहीं आता, बट इस स्मार्ट वॉच में ऐसा नहीं है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज और भी देखने को मिल जाती है, जैसे वॉकिंग का, रनिंग का, साइकिलिंग का, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज रन करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है म्यूज़िक का ऑप्शन। आप यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक अपने फ़ोन से कनेक्ट करके चला सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई और शॉर्टकट इस स्मार्ट वॉच में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे फीचर्स हैं, ये मैसेज का हो गया, अलार्म का हो गया, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्मार्ट स्टॉप वॉच वगैरह, वो सारे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए टाइम आ गया है अच्छे से इसको कंपेयर करने का एक ऑक्सीमीटर के साथ, कि क्या रिजल्ट आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेंगे या फिर एक्यूरेट रिजल्ट वॉच में भी आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो SpO2 लेवल है वो दोनों ही में अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है, 95-96 के अप्रॉक्स। तो ये तो यहाँ पे एक्यूरेटली इसने मेज़र कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं BPM का रिजल्ट क्या निकल कर आता है। तो फिलहाल टेस्ट कर लेते हैं BPM कितना निकल कर आता है यहाँ पे। तो टेस्ट वॉच में भी रन हो रहा है एंड यहाँ पे आपके सामने ये हैंड्रॉइड के आसपास यहाँ पे निकल कर आया है। तो वॉच में देख लेते हैं एक बार कितना निकल कर आता है। तो यहाँ पे देखिए वॉच में 69 के आसपास दिखा रहा है एंड यहाँ पे 81 के आसपास ऑक्सीमीटर में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं कि कितना है। अब यहाँ पे ऑक्सीमीटर में 73-77 के आसपास हो गया है एंड यहाँ पे धीरे धीरे ये वेरी करता जा रहा है एंड दोनों में ही थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितना यहाँ पे डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलता है। तो आई होप गाइज आपको क्लियरली पता चल गया होगा आपको स्मार्ट वॉच में एंड ऑक्सीमीटर में कितना डिफरेंस देखने को मिला है एंड किस कैसी इसके जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे एक्चुअली में वर्क करते हैं। बट क्वालिटी के मामले में ये स्मार्ट वॉच मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है इस प्राइस सेगमेंट में। एंड कॉलिंग का भी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे जो वॉइस असिस्टेंट का फीचर है वो एक्चुअली में यहाँ पे जो वर्क करता है वो काफ़ी डिफरेंट है। यानी कि आपको यहाँ पे वॉच में सिर्फ माइक का यूज़ करना है, एक्चुअली में जो टास्क परफॉर्म होगा वो आपके स्मार्टफोन में ही परफॉर्म होगा। यहाँ पे वॉच का यूज़ सिर्फ यहाँ पे माइक के लिए ही किया गया है। तो गाइज ये थी आज की अनबॉक्सिंग। रिव्यू की बात करें तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है इस प्राइस सेगमेंट में एंड फीचर्स भी इसके काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि अंडर 3000 में बहुत ही कम स्मार्ट वॉच हैं जो आपको कॉलिंग का फीचर प्रोवाइड कराती हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।